गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कि आप इंटरव्यू विथ अरुण कृष्णमूर्ति लेसन नंबर 3 कक्षा 10 आप पढ़ रहे हो। अरुण कृष्णमूर्ति के साथ इंटरव्यू लिया गया है और उसने जवाब सवाल जो हुआ है उसी का वक्तव्य यहाँ पर नीचे दिया गया है। तो इस वीडियो में आप आगे से पढ़ेंगे। इंटरव्यूअर्स उस सवाल किया, नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ गार्बेज डू पीपल थ्रो इनटू वाटर बॉडीज। अगला सवाल था उसका कि उस पानी में किस प्रकार के कचरे व्यक्ति उसमें फेंकते हैं। व्हाट डू यू डील विथ द रिमूव द गार्बेज वंस यू क्लीन द वाटर बॉडी। और इसके लिए उस कचरों को साफ करने के लिए तुम करते क्या हो, कैसे हैंडल करते हो। तो जवाब दिया उसने, एवरीथिंग फ्रॉम ए डायपर टू और नाउ, हर चीजें उसमें डायपर जो फटे हुए थे, स्लीपर, वी फाइंड एवरीथिंग इन आवर लेग्स, डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्टेज, डायपर हुआ या फटे चिथड़े कपड़े हुए या फिर स्लीपर हुए, ये सब कुछ हमें झीलों में मिलता। दिस इज सो डिस्टर्बिंग, यह मुझे परेशान कर देता, बिकॉज इट इज वाटर एंड वाटर इज द बेसिक ऑफ लाइफ, क्योंकि यह पानी है और पानी जो है जीवन का क्या होता है, आधार, ऐसा बोले जल ही जीवन है। हाउ कैन वी नॉट केयर फॉर दीज वाटर बॉडी, तो हम अपने इस पानी को किस प्रकार साफ न करें, ध्यान क्यों न दें इसका। वी यूज दिस गार्बेज फॉर लैंड फील विथ नो और मिनिमल एक्सपोज टू द आउटसाइड एनवायरमेंट, तो हमें इन कचरों को दूर करने के लिए है ना, आप दूर करें और बाहर के परिवेश को क्या करें, मेंटेन बनाएं। वी इंश्योर डैट द लेक एरिया एंड वाटर होल्डिंग फ्री फ्रॉम गार्बेज, हम ये संकल्प लें कि हमारे झील या पारी की ऐसी जो वस्तुएं हैं जहाँ पर संग्रहित होती हैं वे कचरों से मुक्त होना चाहिए। सो माने इसलिए कि डैट बर्ड, फ्रॉग एंड स्नेक कैन लिव इन द पीस, चाहे पक्षी हो, चाहे मेढक हो, चाहे सांप हो, वे स्वतंत्रतापूर्वक शांति से रह सके। अगला सवाल, हाउ मैनी डेज डज इट टेक टू क्लीन ए लार्ज लेक, डू यू यूज एनी स्पेशल इक्विपमेंट फॉर क्लीनिंग एंड सेफ्टी। अगला सवाल किया कि तुमको बड़ी बड़ी झीलों को साफ करने में या ऐसा वाटर बॉडी जिसमें वेस्टेज हो साफ करने में कितना दिन का समय लगता था। डू यू यूज एनी स्पेशल इक्विपमेंट फॉर क्लीनिंग एंड सेफ्टी, अपनी सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए क्या तुम कैसे ऐसा खास तौर से औजार या उपकरण लेते थे। तो जवाब दिया उसने, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द लेक एंड द अमाउंट ऑफ गार्बेज, यह उस झील के आकार के ऊपर निर्भर करता था और अमाउंट ऑफ गार्बेज कितने कचरे हैं उस पर निर्भर करता है। इट कैन टेक एनीवेयर बिटवीन 5 days एंड 3 months, लगभग कहीं भी जो है 5 दिन और 6 महीना, सॉरी 3 months 3 महीना टू कंप्लीटेड क्लीन ए लेक, एक लेक यानी झील की सफाई करने पूर्ण होने में इतना दिन का समय लगता था, 3 months एंड 5 days। वी हैव आवर टूल्स लाइक रेक्स एंड स्पेड, और हमारे साथ गियर के रूप में, उपकरण के रूप में रेक्स और स्पेड्स यानी फावड़े होते थे। अगला सवाल, What kind of protective gear do you use? सवाल किया उसने, तुम किस प्रकार अपने को बचाने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते थे? Can you describe the cleaning process briefly? क्या तुम इस प्रोसेस को संक्षेप में मुझे बताओगे? उसने जवाब दिया, We wear nose mask. हम नाक पर मास्क लगाते थे, सेनेटरी ग्लव्स सुरक्षा पूर्वक
सैनिटाइजर्स की हुई, ग्लव्स और कैरी रेक्स एंड स्पेड अपने हाथ साथ में, स्पेड्स यानी फावड़े और रेक्स को लेते थे, विथ विच वी कलेक्ट द गार्बेज, जिससे हम कचरे को इकट्ठा कर सकें, एंड डंप इट, और उसको हम समूह के रूप में रख सकें, इट इनटू कलेक्शन बकेट, ताकि उसमें संग्रह वाली बाल्टी में रख सकें, विच आर टेकन टू द गार्बेज ट्रक, जिससे कि हम उस गार्बेज ट्रक तक ले जा सकें। वी आल्सो यूज हैवी मशीनरी लाइक अर्थ मूवर, और इसके साथ साथ हम भारी से भारी मशीनरी का उपकरण, जिसको अर्थ मूवर मिट्टी के कटाव काम करने वाला था, और प्रोक्लेन्स टू डे स्लीप लेट एंड क्लियर द वीट्स एंड सर्व डेट आर हार्मफुल, और उस झील में जो भी ऐसे तत्व थे, जो झाड़ियां हो या घास फूस हो, है ना, सड़े गले पदार्थ, उनको हम खींच लेते थे या इकट्ठा कर लेते थे। अगला सवाल किया उसने, व्हाट इन योर ओपिनियन कैन चिल्ड्रेन एंड यंग एडॉल्ट डू फॉर द एनवायरमेंट, मतलब तुम्हारा नजरिया क्या है या तुम्हारा दृष्टिकोण क्या है, बच्चे क्या बच्चे और युवा या एडॉल्ट किशोरा वर्ग के लोग पर्यावरण के प्रति कैसा वे काम करें या उनका झुकाव कैसा हो। व्हाट कुड बी द स्मॉल बिगनिंग ऑल अस इन द टर्म प्रोटेक्टिव द एनवायरमेंट, और इस एनवायरमेंट को प्रोटेक्टिव करने में, पर्यावरण की रक्षा करने में उनका शुरुआती बिगनिंग क्या होना चाहिए, शुरुआती दौर किस प्रकार से शुरू करेंगे। फर्स्टली, पहली पहल, वी शुड ऑल स्टॉप थ्रोइंग ट्रैश, हमें कचरे को फेंकने से, है ना, स्टॉप करना चाहिए। हम सभी को, हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है, परम कर्तव्य बनता है, हम जो कचरे को थ्रोइंग करते हैं, बाहर फेंकते हैं, उसको रोके हम आउटसाइड आवर होम, घर के बाहर। नेक्स्ट, अगला कदम हमारा होगा, वी शुड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ट्रैश वी जनरेट, जो हम जनरेट करते हैं, पैदा करते हैं, हमें उस ट्रैश को अमाउंट, बड़े पैमाने पर जो जनरेट करते हैं, उसको रिड्यूस करना चाहिए, कम करना चाहिए। स्ट्रो, टिश्यू पेपर, बैटरी, फास्ट फूड, जंक, ऑल दिस एंड अप इन द लेक एंड दे केम फ्रॉम आवर होम, जो हमारे केम फ्रॉम आवर होम, जो हमारे घरों से प्रोड्यूस होते हैं, रैपर्स हो, बैटरी हो, फास्ट फूड या जंक फूड, एवरीथिंग इटीसी, हमें इनको रिड्यूस करें हम। इफ यू कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ गार्बेज एट होम, अगर हम इन बड़े पैमाने पर इन कचरों को हम कम करेंगे घर पर से निकले हुए, एंड वी कैन डिस्पोज आर गार्बेज सेफली, और कचरे को एक सुरक्षित जगह पर रखेंगे, डैट्स इट्स सेल्फ ए ग्रेट डील, यही हमारा सबसे बड़ा कदम होगा। एवरी स्टूडेंट इज द वेलकम टू वॉलेंटियर विथ अस इन द हेल्पिंग द एनवायरमेंट, और अगला सवाल रही बात विद्यार्थियों की, उनका स्वागत है, जो स्वयं सेवक संघ यानी वॉलेंटियर में हमारे साथ जुड़ करके पर्यावरण के प्रति जो काम करना चाहता है, आई वेलकम, मोस्ट वेलकम। हाउ मच टाइम डू स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन नीड टू डिवोट इन से ए वीक और एन एनवायरमेंटल कॉज, सवाल किया उसने, बच्चे किस उम्र के या कितने समय तक इस क्षेत्र में काम करें, सप्ताह में या इमोर्टल काज में। फोर आवर्स ए वीक ने बोला कि एक सप्ताह में चार घंटा, डेट इज टू आवर ऑन सैटरडे संडे एंड टू आवर ऑन सैटरडे, दो घंटा रविवार, दो घंटा शनिवार। दिस स्मॉल बिगनिंग इज मोर देन एनफ टू इंश्योर लार्जर पार्टिसिपेंट लेटर, यह छोटी सी शुरुआत आगे चलकर बड़े पैमाने पर अपना रूप ले लेंगे। हाउ कैन स्टूडेंट एंड स्कूल ज्वाइन योर फ्रेटेंटी, मतलब स्कूल या विद्यार्थी तुम्हारे इस काम में किस प्रकार जुड़े। डू यू हैव एनी प्रोग्राम टू इंट्रोड्यूस योर वर्क टू देम, क्या तुम ऐसा कोई प्रोग्राम निर्धारित की हो जो उनको एक सही दिशा दे सके। यस वी ऑफर फेलोशिप, हम
आमंत्रण करते हैं ऐसे व्यक्तियों को टू इंटरेस्ट स्टूडेंट्स, जो इंटरेस्टेड विद्यार्थी हैं। आवर प्रोग्राम लुक एट यंग एनिमल्स लवर, हमारा प्रोग्राम दिखाया जाता है यंग एनिमल्स लवर जो जानवर के प्रति लगाव रखते हैं, यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर जंगली जीव से संबंधित फोटोग्राफर, फिल्म मेकर, थिएटर आर्टिस्ट है ना, कलाकार, चित्रकार, वैज्ञानिक रिसर्च के लिए किया जाता है। वी गिव देम ट्रेनिंग इन द केस इन दिस एरिया, हम इन क्षेत्रों में सबको प्रशिक्षित करते हैं। एंड गेट देम एक्टिविटी एनवलप इन ऑल आवर वर्क, और उनसे संबंधित क्रियाकलाप भी करवाते हैं। आवर यंगेस्ट वॉलंटियर इन द क्लास थर्ड, हमारा सबसे छोटे उम्र का लड़का जो हमारे इस संघ में जुड़ा है वह कक्षा 3 का।